गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट सब्जी मंडी और बताते हैं आपको कुछ जरूरी बातें, तो चलते हैं बाहर। ना बैगन नहीं चाहिए, बैगन नहीं चाहिए, बस यही दे दीजिए दोनों चीज़। और सोयाबीन तो रखे नहीं आप? हाँ तो ले लेंगे हम शायद। सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेने के लिए आया था मैं यहाँ पे। जगह दुकान है पुल पूरा बन के तैयार हो गया। थोड़ा थोड़ा आप रखेंगे तो आपका बिकेगा, बिकेगा तो ज़्यादा दिखेगा। हम जस्ट आए हुए थे दवाई की दुकान पे, उसके बाद क्योंकि पापा को कल चोट लग गया था, गिर गए थे छत के ऊपर से, क्योंकि वो केले के डंडे को सीधा कर रहे थे और उनको शायद पता नहीं कि शाम के टाइम इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। और ऐसी सब चीज़ों को करने के लिए कम से कम दो लोगों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए ताकि ये सारे कार्य अच्छे से हो सके। तो अब हमें राशन की दुकान पे आए हैं, कुछ सामान लेना है खाने पीने का, राशन का। उसके बाद हम यहाँ से जाएँगे घर पर, देखेंगे क्या। उसके बाद एक नई पेंटिंग आर्ट वर्क है उसको करने के लिए जाएंगे हम अटलांटा मोड, तो वहाँ भी हमने कॉल कर दिया। वहाँ का ब्लॉग आधा बन गया है, आधा बाकी है, तो वो भी बनाएंगे दिखाएंगे आपको। ये दुकान जस्ट विजय स्वीट्स के बगल में है, आप लोग आएंगे तो ये भाई सब मिल जाएंगे, इनसे आप राशन ले सकते हैं, अच्छा खासा जो मिलेगा ले सकते हैं आप लोग। तो मैंने बताया था दोस्तों कि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे, तो अब मैं शायद कहीं जा नहीं पाऊंगा, हो सकता है, तो इसलिए मैं यहीं पे रह के थोड़ा और मेहनत करूंगा और काम को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जो लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो पापा थोड़ा ठीक हो जाएंगे तब मैं आने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, जिसका जो काम है वो होगा और होगा तुरंत होगा, लेकिन मेरे आने के बाद। अभी हम चलते हैं जस्ट घर पर। पापा उस दिन गेहूँ के अंदर पानी डलवा रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि वो जा रहे थे छत के ऊपर, जो केले का पौधा होता है, जो केले का पौधा बांध के सीधा करना था उनको, वो सीधा नहीं कर पाए। चलिए मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ कौन सा पेड़ था वो। यही वो केले का पेड़ है जहाँ से पापा उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे थे और केला का जो पेड़ है वो झुकने का ही नाम ले रहा था। और चलिए सीधे अंदर चलते हैं, ये घर है, चलते हैं घर। देखिए मैंने कुछ ऐसा आर्ट किया था बिना प्लास्टर की दीवार पे, और यहीं से पापा रस्सी खींच रहे थे और जस्ट यहाँ से धराम से गिर गए थे, तो ऐसा कुछ सीन था। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, वैसे मुंबई, मुझे मुंबई भी जाना था लेकिन मुंबई जाना मैंने कैंसिल कर दिया सिर्फ इसी कारण ये जो घटना थी घट गई। और उनके बाद तो देखो मैं ही हूँ घर को संभालने वाला और करने वाला, तो मैं अपने पेंटिंग आर्ट का और जो भी काम है वो करके इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, साथ में न्यूज़ का काम, ब्लॉगिंग का और ख़ुद का भी इंटरटेनमेंट मैं करता रहता हूँ। तो आई होप दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और यदि आप लोग अच्छे हैं और आपके पे आएगा अंगूठा है तो लाइक और कमेंट करके बता दें कि कैसी लगी वीडियो। बाकी की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके कमेंट बताएं। जय हिंद, जय भारत एंड जय बजरंगबली।